अगर आप लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आप लोगों की जर्नी चल रही है, तो गाइज आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना वेट अभी कमेंट बॉक्स में लिख दो, ताकि आप आने वाले 2 महीने बाद आप लोग वापस आके मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अपडेट कर सको। मैं यहाँ से यहाँ कैसे गया, ट्रेनिंग से लेकर न्यूट्रिशन तक, रिसर्च से लेकर माइंड सेट तक। तो गाइज आज मैं आपको इस वीडियो में अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे के स्टेप्स बताऊंगा, ताकि आप लोग अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर पाए, वो भी फिजिकली और मेंटली। तो गाइज मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से इंफॉर्मेशन लेके और साथ में मोटिवेट होके आप अपनी, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी खुद की तगड़ी ट्रांसफॉर्मेशन करें। तो गाइज अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, नीचे रेड बटन दिख रहा होगा, जाके सब्सक्राइब करें। ये मेरी इंस्टा आईडी खुली है, इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई भी वीडियो और कुछ डाइट पूछनी हो, ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ पे आके मेरे से पूछ ले करो, DM कर दे करो, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। जो लोग नए हैं गाइज नीचे जाके चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो गाइज चलते हैं अपनी वीडियो के। तो गाइज आज की वीडियो में मैं अपने खुद की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करूंगा कि मैंने एक 40 किलो के नाजुक लड़के से अपनी जर्नी शुरू करके अपने आप खुद को बदला। तो गाइज जो पहली जो चीज़ है जो हर एक ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करती है, तो वो है माइंड सेट। तो गाइज जब मैंने जिम जाना शुरू किया था, तो मैं अपनी खुद की फिजिक्स को लेकर बहुत इनसिक्योर था और डरता था जिम जाने से। अगर आपके पास एक्सेस है फिर भी आप डर डर के घर पे ही जिम कर रहे हैं और जिम जा नहीं रहे हैं, तो आप लोग ये सोचते हैं कि अगर हम जिम जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे, हमें देखेंगे, हमें फिजिक्स पे हंसेंगे। तो गाइस मैं आपका ये डर दूर कर दूं, क्योंकि आज जो जिस लेवल पे हैं उन्होंने भी तो कभी ना कभी स्टार्ट किया होगा, बिगिनर से स्टार्ट किया उन्होंने भी। तो आप ये सब भूल जाओ कि आप बिगिनर हो, ठीक है, ये सब भूल जाओ। और गाइस अगर आप ये सोच रहे हो कि वो लोग तुम्हें देखेंगे, वो लोग तुम्हें देख के बहुत मोटिव होंगे क्योंकि आपने अपने आप को बदलने का खुद को सोच लिया है, क्योंकि आप पहली पड़ाव पे चढ़ गए हो, क्योंकि बिगिनर जो होती है वो पहली सीढ़ी होती है ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए, वो लोग आपको देख के बहुत इंस्पायर होंगे। तो मैं गाइज वही कह रहा हूँ कि आप अपना माइंडसेट, अपना फोकस पूरा जिम पे रखो। तो गाइज आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन का सेकेंड स्टेप है, वो है रिसर्च। आप रोज के 10 मिनट निकाल के फिटनेस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक या फिर कोई वीडियोस देखिए, क्योंकि ये इतना बढ़िया टॉपिक है, इसमें इतनी सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि फॉर्म हो गया और डाइट हो गया और न्यूट्रिशन। खुद को नॉलेज आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, इसलिए आप रोज फिटनेस से रिलेटेड वीडियोस देखिए और इनमें से इंफॉर्मेशन लीजिए और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से करिए। अब चलते हैं गाइस आप लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन के थर्ड स्टेप पे। तो गाइस आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का तीसरा जो पॉइंट है वो है ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आपकी मसल जब तक ब्रेक डाउन नहीं होगी तो गाइज वो ग्रो नहीं होगी। और इस चीज़ को लेके गाइज बहुत लोग हो गए ना एकदम छोड़ देते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता है उन ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक गाइज आप अपने मसल को ब्रेक डाउन नहीं करोगे तो गाइज वो ग्रो नहीं होगी। गाइज आप बिगनर हो तो मैं आपको एक चीज़ सजेशन करूँगा, आप 1.5 से 2 महीने हर हफ्ते फुल बॉडी रूटीन ही करिए। बेसिक सी चीज़ और क्लियर कर दूँ, ताकि वो आपके हर ट्रेनिंग में प्रोग्रेस करेगा। आपको हर मसल के 3 वेरिएशन करने हैं, हर वेरिएशन के 3 सेट है और 12 से 16 रैप्स। इससे क्या होगा गाइज आप बहुत अच्छे से अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। तो फर्स्ट मैं एग्जांपल देता हूँ बाइसेप वर्कआउट के लिए, हम क्या करेंगे, फर्स्ट बाइसेप कर, हैमर कर और साथ में किक बैक कर, 8 से 12 रैप्स बस और कुछ नहीं। इससे क्या है आप बहुत अच्छे से अपनी मसल को ट्रेन कर पाएंगे और साथ में आपकी मसल भी ग्रो होगी। 50-60 वेरिएशन लगा के आपकी मसल ग्रो नहीं होगी, मैं गारंटी देता हूँ। हम यही चाहते हैं कि आप लोग फिजिकली और मेंटली अपने आप को ट्रेन कर पाए। तो आप लोगों को क्या, लोगों को बेसिक से रूल्स फॉलो करने जो मैंने बताए थे, हर मसल के 3 वेरिएशन, हर वेरिएशन के 3 सेट और 8 से 12 रैप्स बस और कुछ नहीं, आपको ये चीज़ करनी। जो हमारा जो लास्ट जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपको जितने भी मैंने पॉइंट बताया अगर आप गाइज वो फॉलो कर रहे हो और ये फॉलो नहीं कर रहे हो, तो आपको गाइज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगी बिल्कुल। ये आपको बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प करेगी जो है हमारा डाइट। तो गाइज मैंने बहुतों को देखा वो अपने डाइट को अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं, उनका मन नहीं होता खाने का, मतलब कि जितना उनको खाना होता है, जितनी कैलोरीज, अगर वेट गेन कर रहे हो तो गाइज आपको 150 से लेकर 300 के बीच जितनी कैलरीज है वो आपको रोज लेनी पड़ेगी, जिससे आप बहुत अच्छे से अपना वेट गेन कर पाओगे। क्योंकि मैंने बहुतों को देखा है वो लोग खाते नहीं, वो कहते हैं भूख तो लगती है पर हम खा नहीं पाते हैं। तो गाइज मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, आप बहुत ज़्यादा खा पाओगे आराम से और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन भी कर पाओगे।
आपको क्या करना है, जैसे कि आप कुछ खा रहे हो, आपका मन नहीं कर रहा है खाने का, तो आप क्या करो, अपना ध्यान कहीं और डाल दो। मतलब कि आप अपना ध्यान खाने पे रखोगे मतलब आप नहीं खा पाओगे बिल्कुल। अगर आप टीवी देखते हुए खा रहे हो या फिर मूवी देखते हुए या मोबाइल चलाते हुए खा रहे हो, तो गाइज आप वो कब खा जाओगे वो आपको भी नहीं पता होगा, वो पूरा खा जाओगे। तो गाइज कभी भी आपको ज्यादा खाना खाना हो, अपना ध्यान कहीं और डाल दो, माइंड को कुछ और दिखाओ, अपना मूवी देखो कुछ भी, और अपना खाना खाते रहो, तो गाइज आप लोग आराम से अपनी डाइट ले पाओगे। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। तो गाइज आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जितने भी मैंने आपको ये स्टेप्स बताए ये आप फॉलो करो, मैं गारंटी देता हूँ आप पक्का ट्रांसफॉर्म कर पाओगे अपने आप को।